तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आप भी अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छा हूँ। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप WWE मेहम को मॉड वर्जन में कैसे चला सकते हैं, वो बिना रूट के और कुछ भी नहीं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, थोड़ा आपको थोड़ा कट कॉपी पेस्ट करना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने तो प्ले स्टोर से जाके जेड आर्काइवर और WWE मेहम दोनों डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपके प्ले स्टोर में नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर यूसी ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके बाद RevDL सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने WWE मेहम सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपने सीधा चलना है आपके जेड आर्काइवर पे। जेड आर्काइवर आपके प्ले स्टोर से पहले ही ये डाउनलोड कर ले रखना है। उसके बाद आपने जब होने के बाद ये हो जाता है, उसके बाद फर्स्ट अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके फर्स्ट आपका जो गेम खेला हो उसका WWE मेहम का उसको सर्च करके उसका डेट उसका डाटा है, उसका जो डाटा है उसे आपने क्लियर कर देना है। देखो यहाँ पर क्लियर क्लियर करने के बाद, उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मॉड वर्जन का, उसके लिए उसको डाउनलोड कर लेना है। 8 MB का है बस। देखिए यहाँ पर ये देखो ऐसे WWE में मॉड बाय एंड्रॉयड गेमर्स करके आपको एक ये गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट आपने इस पर क्लिक करके सेकंड ऑप्शन एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड इंटर करना है ऑल कैप्स लेटर में मॉड बाय एंड्रॉयड गेमर्स, ओके दबा देना है। ये फाइल एक्सट्रैक्ट होने देना है आपको। देखिए जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है आपको इसे लॉन्ग प्रेस करके कट करना है, बैक आ जाना है, फिर एंड्रॉयड फोल्डर देखिए ध्यान रखिए डाटा फोल्डर में पेस्ट कर देना है। OBB फोल्डर में पेस्ट मत करिए, डाटा फोल्डर में ही पेस्ट कर दिए। उसके बाद आपने सिंपली अपना गेम ऑन करना है। देखिए गेम ऑन होने के बाद आपको दो ऑप्शन पूछेगा, रिस्टार्ट और कंटिन्यू का, या फिर आपको वो भी पूछ सकता है कि आपका पहले से अकाउंट है कि न्यू बनाना है। आपने कुछ भी हो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। देखिए यहाँ पर आपने फुल देख सकते हो कि आपका मेरा गोल्ड और पैसे दोनों 9999 है और पावर भी 25 है। तो यही था आप आज के लिए, यही था आज का मॉड। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करके ही जाइएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसका बाजू में पड़ा हुआ वो बेल आइकन भी दबा दिया देना, ताकि उससे क्या पता चलेगा कि मैं भी जब भी नया वीडियो डालूँगा आपको वो डायरेक्टली पता चल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय।